रहता है। यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर देख लीजिए 12 kg मटन जो है हमारा दूसरा स्वाद रहता है। यहाँ पर मांस अभी छोड़ा नहीं है, साथ हमको बड़ा चाव खाने मजा आता है। आप हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज आप लोग को दिखाएंगे मटन कड़ी चटपटेदार कैसा बनाया। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन कड़ी, तो 12 kg बनाएंगे, घर पर बनाएंगे। तो आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग को बना कर खिलाते हैं चटपटेदार हमारा मटन कड़ी कैसा बनाया जाता है। तो वीडियो तक अंत तक बने जरूर बने रहिएगा। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको मटन कड़ी का वीडियो। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों को आज दिखाएंगे मटन कैसे बनाया जाता है। तो मटन कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पीतल का हांडी चढ़ चुका है। इस पीतल का हांडी में मटन बनाएंगे। तो प्याज यहाँ पर डाल दिए, प्याज लमसम कितना भैया? प्याज इसमें 3.5 kg है। और तेल हमारा कितना है इसमें? 2.5 लीटर। 2.5 लीटर तेल है। और मटन हमारा कितना बनेगा लमसम? मटन बनेगा 12 kg। 12 kg मटन बनेगा। यहाँ पर प्याज प्याज डाल दिए हैं, उसके बाद देखते हैं और इसमें अब इसमें क्या ऐड किया जाएगा हमारा? अब इसमें ऐड करेंगे इसके बाद में मटन, मटन ये ब्राउन होने के बाद जी प्याज भी जब ये ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटन, मटन। तो यहाँ पर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर जी और मिर्चा पाउडर जी। उसके बाद में नमक, अदरक लहसुन पेस्ट जी और अदरक जी। जैसे जैसे हाँ, डालते रहेंगे वैसे बता दें लहसुन अदरक इसमें सब हम डालेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट इंतजार करते हैं जब हमारा प्याज ब्राउन होगा उसमें मटन डाला जाएगा, मटी का नंबर आ जाएगा इसमें जी मटन का। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं हल्दी पाउडर जी। 10 से 12 kg में कितना पड़ता है? यहाँ पर 150 ग्राम हमारा क्या कर रहे हैं हल्दी ऐड कर देंगे। तो देख लीजिए ये पीतल का पीतल। अच्छा भाई ये पीतल में क्यों पकाया जाता है? पीतल में जो होता है ये मटन टेस्टी होता है, टेस्टी होता है। हाँ ये पीतल है और तांबा है, दोनों दोनों भी रहते हैं दोनों जी। मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 100 ग्राम 100 ग्राम 12 kg। तो गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 12 kg में मैंने 100 ग्राम अच्छे से चलाया जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड किया जाएगा हमारा मटन, मटन डालेंगे जी। यहाँ एक हल्दी और मिर्ची इसमें हमने डाल दिया है। 12 kg है हमारा मटन, ये 12 kg है मटन जी। हाँ इस बाल्टी में 12 kg ऐड कर देंगे। हाँ अब इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 kg मटन जो है हमारा ऐड हो गया है। अब इसको कितना देर लगेगा भैया इसको पकने में? अब इसको पकने में कम से कम 2 घंटे 2 घंटे लगते हैं। इसको चलाया जाएगा, उसके बाद चलाया जाएगा जो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और नमक जी। कितने देर बाद? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद हमारा डाला जाएगा लहसुन अदरक और नमक। इसमें तीनों आइटम मिला देंगे। उसको डालने जा रहे हैं ये अदरक का पेस्ट है। हाँ ये अदरक का पेस्ट हमारा आ गया है। लमसम अदरक का पेस्ट कितना पड़ेगा भैया? ये 200 ग्राम 200 ग्राम 12 kg में हमारा 200 ग्राम। यहाँ पर सभी लोग बताते हैं मसाले के बारे में, यहाँ पर भाई बता दिए। उसके बाद क्या ऐड किया जाएगा? इसमें हम डालेंगे लहसुन, लहसुन इसके बाद हमारा डाला जाएगा 5 मिनट बाद। इसको अच्छे चला देंगे, उसके बाद डाला जाएगा हमारा लहसुन 250 ग्राम ये 250 ग्राम रहता है। लहसुन का मात्रा ज्यादा रहता है? लहसुन का मात्रा ज्यादा जी। यहाँ पर देख लीजिए लहसुन ऐड कर दी है। लहसुन ऐड करने बाद क्या करेंगे इसमें? और क्या डालेंगे? नमक। इसके बाद डाला जाएगा हमारा नमक, मटन में नमक डालेंगे बड़े भाई। स्वाद अनुसार ये भी पड़ता है भैया? हाँ हाँ ये स्वाद अनुसार पड़ेगा। लमसम कितना हमारा कितना ग्राम पड़ जाएगा मटन में? ये कम से कम 200 ग्राम 200 ग्राम इसमें पड़ेगा हमारा। देख लीजिए मटन है उबल रहा है और धीरे धीरे धीमी आंच में धीरे टेम्परेचर में इसको अच्छे से पकाया जाएगा, क्योंकि मटन है पीतल का हांडी है। धीमी टेम्परेचर में अच्छे से इसको पकाया जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद आधा घंटा तक इसको अच्छे से चलाया जाएगा धीमी, यानी धीमी टेम्परेचर में। पानी लमसम कितना पानी रहेगा? कम से कम 2 लीटर 2 लीटर पकने के लिए, पकने के लिए। हाँ तो यहाँ पर देख लीजिए मसाला वसाला सब पड़ गया है। 10 से 15 मिनट बाद इसमें पानी ऐड कर दिए हैं, चलाया जाएगा। नहीं अभी नहीं, जब ये उबाल आएगा जी करीब कम से कम 15 मिनट के बाद जी हम इसको चलाएंगे। 15 मिनट बाद इसको चलाया जाए। आग की अभी ये जो लकड़ी है इसमें टेम्परेचर कम, हाँ टेम्परेचर नहीं अभी हाई करेंगे जी। अभी हाई, हाँ सिर्फ चिकन का टेम्परेचर डाउन रहता है, डाउन रहता है और उसका हाई रहेगा, हाई रहेगा। तो इसको 15 मिनट बाद चला जाएगा, पानी ऐड करने बाद छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद चला, 15 मिनट हो चुका है जी। ये देखो टेम्परेचर हाई कर दिया है, टेम्परेचर हाई करके उसके बाद देखिए प्याज गल चुकी है, प्याज एकदम तो सही है, प्याज गल गया है। गिर भी ये समझ लो 20 मिनट बाद गिर भी कंप्लीट हो जाएगी जी। तो यहाँ पर मटन को अच्छे से चला कर पीस दिखा दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए पीतल के हांडी में बनाया जाए, इसमें खाने का खुद दूसरा स्वाद रहता है। यहाँ पर मांस अभी छोड़ा नहीं है, अभी 15 आधा घंटा लग जाएगा। हाँ, आधा घंटा लगेगा मटन को हमारे कंप्लीट होने में। उसके बाद अभी कुछ और ऐड किया जाएगा गरम मसाले, अभी गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे भाई 10 से 15-20 मिनट बाद। देख लीजिए गरम मसाला आ गया है। गरम मसाला कितना डाला जाएगा भैया? 200 ग्राम 200 ग्राम। तो यहाँ पर कलछुल के सहारे से देख लीजिए, कलछुल में 2-3 कलछुल ले लेते हैं, नहीं 2 ही कलछुल डाला जाएगा। 2 कलछुल में यहाँ पर देख लीजिए 100 ग्राम यानी मसाला ऐड कर दी है। मसाला ऐड करने के बाद क्या ऐड किया जाएगा भैया इसमें? इसमें धनिया, सिर्फ धनिया पड़ेगा, केसर बस, केसर और धनिया इसमें पड़ेगा। 10 मिनट बाद हमारे भाई आपको मटन दिखाते हैं, ये कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़िया पीस निकालिए, हड्डीदार पीस निकालिए, जो हमारे पब्लिक को देखकर मजा आ जाए, मुंह में पानी आ जाए। ये देख लीजिए
ये रहा हमारा हड्डी, मांस छोड़ दिया है, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ और जी जी, अब इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर कितना बेटा इसमें कितना रहेगा? ज्यादा 150 ग्राम हमारा धनिया का पाउडर ग्रेवी के लिए, यानी हमारा जो है ग्रेवी चटपटदार बनती है, चटपटेदार हमारा जो है मटन यहाँ पर पूरा तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे नहीं? अभी पाँच मिनट बाद हमारा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से पकाया जाएगा। पकाने के बाद इसको उतार दिया जाए, इसको आप उतारे प्लेटों में अच्छे से निकलवा कर टेस्ट करवा। हमारा मटन जी तैयार हो चुका है जी, मटन तैयार हो गया। हाँ, अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पानी। पानी पानी कितना रहेगा? 12 केजी में कम से कम 4 लीटर। 4 लीटर 12 केजी, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा 5 लीटर 4 लीटर पानी ऐड कर दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से बेलचक के सहारे चलाया जाएगा, यानी पानी को पकाया जाएगा अच्छे से। इसको अच्छे से ग्रेवी में मिला दिया जाएगा। इसको कितने देर में उतारा जाएगा भैया? इसको हम उतारेंगे 15 मिनट बाद हमारा इस मछली मटन को उतारा जाएगा। बैठा हुआ चावल इसको बोलते हैं, बैठा हुआ चावल। तो यहाँ पर मटन रेडी हो गया। मटन के साथ चावल खाने में दूसरा मजा रहता है, उसके साथ रोटी तंदूरी हमको नहीं मजा आती, चावल उसके साथ हमको बड़ा चाव खाने में मजा आता है। आप लोगों को कैसे खाने में मजा आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ चावल है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करें, पीतल के हांडी में बनाया गया है, इसको टेस्ट कुछ दूसरा रहता है। तो यहाँ पर 2 लीटर रिफाइंड और इलायची लौंग बड़ी इलायची छोटी इलायची सब इसमें ऐड किया जाता है। मसाले को सब ऐड किया जाता है, थोड़े सब इसमें अखा मसाला ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए बैठा हुआ चावल हमारे पर, हमारा मटन कंप्लीट हो गया भैया। तो यहाँ पर देखिए लाठी के सहारे से इसको क्या करेंगे, पीतल खांडी रहता है, यहाँ पर पूरा हमारा उतार के किनारे कर दिए हैं। अब ये देखो मटन जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया। ये देखो जी, ठीक है, ये देख लीजिए मटन, मटन जो है जी जी रेडी हो चुका है जी। अभी प्लेट में निकाल, प्लेट में निकाल, ये देख लीजिए कैसा है, आया था क्या है भाई? ये नली है। हाँ, इसको लोग बहुत चाव चॉइस करते हैं, इसके अंदर का माल जो रहता है बड़ा चाव रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा नली पूरा रहता है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा नली पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा अच्छे से पक गया है। तो गाइस अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, और ये वीडियो जरूर दूर से शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। जो बनाकर खाते होंगे तो ऐसे बनाकर खा सकते हैं अपने घर में भी।